मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि अयाना कोजी की तरह बनना चाहते हैं, पर आखिर वो बनना क्यों चाहते हैं अयाना कोजी की तरह? बिकॉज अयाना कोजी क्योताका इज अ परफेक्ट ह्यूमन, बट वाई ही इज अ परफेक्ट ह्यूमन? खैर तो कैसा ना, मैंने बात अन्य भी सिंगल से नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे पता है वो अंदर से मर चुकी है। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर अयाना कोजी क्योताका का सबसे बेस्ट क्यों है। हाँ, तुम जानते हो कि चाहे फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें, मेंटल स्ट्रेंथ की बात करें, एकेडमिक की बात करें, या फिर स्पिरिचुअली, या फिर जो भी बोलो, किसी की बात कर लो, अयाना कोजी सब चीज़ में परफेक्ट है। हाँ, एक बात है कि इसका थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा गिरा हुआ था, पर धीरे धीरे वो भी इम्प्रूव कर रहा है वो। एंड यू ऑल्सो नो दैट ही इज टोटली हर्टलेस एंड इमोशनलेस, एंड ऑल ही केयर अबाउट इज विनिंग। ही थिंक पीपल एज टूल एंड नथिंग मोर देन दैट। हाँ, वो दोस्त नहीं समझता किसी को भी, सिर्फ टूल समझता है, दैट्स इट। लेकिन मैं इंग्लिश क्या बोल रहा हूँ भाई इतना, जो भी हो। खैर तो चलो आज की मजदूरी शुरू करते हैं इंट्रो वाले फुटाने के बाद। हाँ, ये रिएक्शन वीडियो है, एक्चुअल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, आज हम लोग देखने वाले कि अयाना कोजी आखिर कैसे ट्रेनिंग किया, उसको कैसा ट्रेनिंग दिया गया था बचपन में कि वो ऐसा खतरनाक बन चुका है। ओके, हाँ, मैं बात करने वाला वॉल्यूम जीरो की, और वॉल्यूम जीरो तुम कहाँ से देख सकते हो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑफकोर्स मैं दे दूंगा भाई, बहुत आलस आता है मुझे। खैर तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। ओके, सो लेट्स बिगिन। इनक्रेडिबल मेमोरी, अयाना कोजी अर्लीस्ट मेमोरीज ऑफ अ वाइट सीलिंग दैट ही स्टेड एट फॉर 14 डेज आफ्टर बर्थ। 14 दिन तक भाई एक ऊपर दिखते रह गया बस, क्या है यार। शॉर्टली आफ्टर बर्थ एज अ चाइल्ड ही हैड एबिलिटी टू एनालाइज एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम हिज ऑब्जर्वेशन। ओके, 2 ईयर ओल्ड ही बिगन टू अंडरस्टैंड द स्पीच ऑफ इंस्ट्रक्टर एंड द मीनिंग ऑफ देयर वर्ड एज एन इंस्टिंक्ट लेवल। ओके, तो 2 साल की उम्र में ये समझना सीख गया था पर बोलना नहीं सीखा था। पोकर फेस, 2 ईयर ओल्ड एडल्ट कंसीलिंग देयर इमोशन वेयर इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन हु वेयर प्रैक्टिकली डिवॉइड ऑफ देम। ये मैं थोड़ा समझा नहीं। ओके, इंजेन्यूटी, ही गेस्ड विच हैंड द कैंडी वाज हिडन इन बाय ऑब्जर्विंग द रिएक्शन ऑफ अदर चिल्ड्रन। ये तो भाई कोई भी 2 साल का बच्चा कर लेगा शायद से। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थिंकिंग, 2 ईयर ओल्ड सो द कैंडी कुड बी हिडन नॉट ओनली इन हैंड, रीजन दिस विथ माई चाइल्डिश माइंड आई पॉइंटेड बिहाइंड। ओके, तो ये था थर्ड ऑप्शन चुना था जो कि किसी और बच्चे ने नहीं सोचा हुआ था। इसने एक ऐसा ऑप्शन दिया जो कि ऑप्शन मतलब था ही नहीं, मतलब ऑप्शन ए भी दिया हुआ तो इसने ऑप्शन सी चुना अपने से बना के। इन ह्यूमन मेमोरी, 2 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज बीइंग सेड बट द इंस्ट्रक्टर वर्ड वेयर चार्ज इन माई मेमोरी आफ्टर ऑल लेटर ऑन इट मैट बी पॉसिबल फॉर स्टार्ट क्लूज फ्रॉम द कन्वर्सेशन व्हेन आई ग्रो अप। ओके, समझ गया। इसने मतलब जो भी वहाँ पे बात हो रहा था उसको अपने दिमाग में फिट कर लिया कि जब वो समझने लगेगा लैंग्वेज तो वो सोचेगा इस बारे में कि वो लोग क्या बात कर रहे थे। 3 ईयर्स ओल्ड ही वॉज ऑलरेडी प्रोफिशिएंट इन बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, बोलना सीखा ना, बोलना शायद सीख लिया होगा। एट द एज ऑफ 3 अलॉन्ग विथ क्योताका ओनली 61 out of 74 स्टूडेंट रिमेंड, बाकी सब बच्चे एडमिट हो गए थे, उन्हें मार दिया गया था शायद से। एकेडमिक एबिलिटीज, एट द एज ऑफ 4 ही वॉज ऑलरेडी सक्सेसफुल पासिंग टेस्ट एट द लेवल ऑफ हाई स्कूल। भाई ये क्या भाई, हाई स्कूल लेवल पे, इसीलिए भाई क्योताका इतना खतरनाक है भाई, परफेक्ट ह्यूमन। मार्शल आर्ट्स, एट द एज ऑफ 4 ही बिगन स्टडिंग वेरियस मार्शल आर्ट स्टार्टिंग विद जूडो। हाँ, शुरू जूडो से हुआ था, और इस समय में एक खतरनाक वाला सीन भी दिखाया था, वो तो तुम वॉल्यूम 0 जाके पढ़ो, उसमें देखोगे। इंटेंस स्पैरिंग सेशन, आफ्टर 4 मंथ ऑफ प्रैक्टिसिंग जूडो ही बिगन स्पैरिंग विद इंस्ट्रक्टर्स हु डिड नॉट होल्ड बैक। हाँ भाई, पहले मतलब बाकी सारे बच्चों से लड़ा था, उसके बाद जब सारे के सारे बच्चे एलिमिनेट हो गए थे तभी इंस्ट्रक्टर से लड़ा था। लाइट नोवल, द शार्प पेन प्रीज थ्रू माई बैक विद ब्लर्स चेंज ब्ला 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 ब्ला। ओके, हाँ, यही वाला सीन की मैं बात कर रहा था, यही वो वही ट्रेनिंग सेशन के बीच में हुआ था जो मैं बोल रहा था। वॉल्यूम 0 में 0 पढ़ो जाके, उसमें देख लो। क्या इंड्योरेंस, एट द एज ऑफ 4 ही ऑलरेडी पोजेस्ड ट्रेमेंडस एंड्योरेंस अगेंस्ट फिजिकल अटैक। ये तो मुझे नहीं पता था। वास्ट कम्बैट एक्सपीरियंस, 4 ईयर ओल्ड इन टोटल आई हैव हैड 44 फाइट, 127 जीता, 17 हार गया, विनिंग स्ट्रीक 64 है। ओके, तो ये हारता भी है ऑफकोर्स भाई, शुरू में तो सब हारते हैं पर ये बाद में परफेक्ट हो जाता है। मार्शल आर्ट 2, ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर जूडो ही बिगन स्टडी कराटे। ओके, जूडो के बाद कराटे, मैं भी सीखूंगा भाई, मैं ये दोनों में से कुछ नहीं सीख रहा अभी। मैं बॉक्सिंग में हूँ, टीक्वांडो में हूँ और मोथाई में हूँ, पर ये दोनों नहीं सीखा है। कोजी, वेदर यू बॉर्न और नॉट द नेक्स्ट सेशन फॉलोड नेमली कराटे दिस मार्शल आर्ट बिगन फॉर अस शॉर्टली आफ्टर जूडो इज इंस्ट्रक्टर स्ट्रक। ओके, सर्वाइवर्स, एट द एज ऑफ 5 अलॉन्ग विद क्योताका ओनली 50 पीपल रिमेंड आउट ऑफ 74, बाकी को मार दिया गया, पक्के से मारा गया भाई। एकेडमिक एबिलिटीज, एट द एज ऑफ 5 ही इजली मास्टर कॉलेज लेवल, इसको एकेडमिक में कुछ ज़्यादा ही फोकस कराया जा रहा है। फेक एबिलिटीज, एट द एज ऑफ 5 ही बिगन टू कंसील हिज इनक्रेडिबल एकेडमिक एबिलिटीज। कंसील मतलब छुपा लेता था। हाँ, ये बात तो है। ही होल्ड बैक, बाकी सारे बच्चे ना निकले एलिमिनेट नहीं हो, एवरेज स्कोर को मैनिपुलेट करने के लिए ये छुपा लेता था अपना, मतलब होल्ड बैक करता था एग्जाम में, मतलब कम। अबे समझ जाओ भाई, आज सुनी, इफ दैट द केस देन ओनली
one reason to hold back, pointing at me, the man continued. You understand the principle behind the curriculum, don't you? You get the purpose. Okay, ये वही बता रहा है जो शायद से मैं तुम्हें बोला कि ये दूसरे बच्चों को बचाने के लिए एवरेज स्कोर को मैनिपुलेट करता था कम नंबर लाके. क्रिएटिव डेवलपमेंट 6 year old. He could excel in playing both piano and violin. पियानो वायलिन कैलीग्राफी सिटी सेरेमनी वायलिन का मुझे नहीं पता था भाई मैं पियानो सीख रहा हूँ भाई मुझे वायलिन भी सीखना पड़ेगा ले इनक्रेडिबल ऑब्जर्वेशन स्किल एट द एज ऑफ 6 ग्रेटली इन वी आर सिमुलेशन ओके हाँ 6 साल की उम्र में इन्हें वी आर में से सबसे पहले टोक्यो के स्ट्रीट दिखाए गए थे शायद से या कुछ और दिखाया गया था ड्यूरिंग अवर ट्रैवल वेरियस स्टोरीज ओके ये भाई वी आर के बारे में बता रहा है ओके 7 year old he once again confirmed that he possesses incredible mood and the ability to work with information ओके WR's professor so there is evidence that a fetus in the mother's womb is capable of learning and मतलब माँ के जब वो क्या कहते हैं उसको अंदर होगा बच्चे तभी से वो सीख और पढ़ सकता है ऐसा कुछ सही में मोटिवेटर 7 year old he underestimated ability began to demonstrate to other generation motivating them हाँ generation 5 को क्या था भाई भाई आगामी कितना जलता था इससे ओके सर्वाइवर एट द एज ऑफ 7 अलॉन्ग विथ क्योताका ओनली 4 people रिमेन आउट ऑफ 74 यूकी थी शिबे था शिबे नाम से था उस लड़के का और फिर या का एनो कोजी था और एक और था पता नहीं कन्फ्रंटेशन एट द एज ऑफ 7 ही कुड इजली इवेड अ सीरियस अटैक फ्रॉम एन अडल्ट ओके कोजी सिंस यू आर वॉचिंग फ्रॉम द साइडलाइन प्लीज कीप योर आईज वाइड ओपन इंस्ट्रक्टर ओ यू टू स्लो द इंस्ट्रक्टर ये तो भाई मैंने नहीं पढ़ा शायद या फिर पढ़ा तो मैं भूल गया सर्वाइवर एट द एज ऑफ 8 ओनली शीरो ओ या शिवा नाम नहीं था शीरो नाम था शीरो रिमेंड विद क्योर का फिर ये भी ड्रॉप कर लिया था अपने आप से खुद को हटा लिया था अब पता नहीं इसको मार दिया गया फिर छोड़ दिया गया द सोल सर्वाइवर एट द एज ऑफ 9 ही बिकेम द ओनली वन हु मैनेज टू सर्वाइव एंड कंटिन्यू टू डू सो सक्सेसफुली इन वाइट रूम ओके वी आर का मतलब होता है वाइट रूम Master of Martial Arts. At the 9 year old, he defeated all martial arts masters, जो कि white room में present थे of course. Armed combat. हाँ 10 साल की उम्र में इसने भाई खतरनाक लकड़ी अरे मतलब वो हथियारों से लड़ना सीखा था शायद से इसने हराया भी था हाँ I looked into the back. You have a choice of battle, strong and knife. ओके हाँ इससे लड़ाई करवाया गया था स्ट्रीट फाइटर सबसे और उनको भाई खतरनाक हराया था या तो स्ट्रीट फाइटर थे या फिर प्रोफेशनल फाइटर थे उन्हें हराया था इसने भाई ये बोला था इसको वेपन का जरूरत ही नहीं है हथियार का पर उन्होंने बोला कि ले लो और ले करके भाई उन्हें मारने पर लगा हुआ था ही ऑलरेडी पोजेस्ड ह्यूमन कोल्ड ब्लडनेस ऑफकोर्स भाई इतना 10 साल तक तुम बच्चे को अकेले रखोगे उसके अंदर इमोशंस कहाँ से भरेंगे भाई ऑफकोर्स ही वॉज हर्टलेस What are the results? Neither in the heat of battle nor in conversation with you, Ayano Koji sensei. क्योता का personality ग्रह ओके हाँ भाई जब Ayano Koji के पापा से बोलते कि वो उसका बेटा है Ayano Koji का धड़कन भी तेज नहीं होता शायद से यही हुआ था वो भी हैरान हो गए थे सोच सुन करके उसके पापा भी हैरान हो गए थे इन्फिनिट पोटेंशियल नो मैटर हाउ हार्श द ट्रायल्स वेयर ही क्विकली अडेप्ट टू देम ओके हाँ इसकी अडेप्टेबिलिटी की बात करनी थी स्ट्रॉन्गर दैन सुपर कंप्यूटर 11 साल की उम्र में इसने चेस मैं सुपर कंप्यूटर द टॉप ग्रैंड मास्टर उसको हरा दिया था ये शायद से मैंने पढ़ा होगा भाई मैं भूल गया ट्रेंड इन एवरीथिंग बाय द एज ऑफ 11 ही रीच सच ह्यूमन हाइट दैट देयर वाज नथिंग लेफ्ट इन वाइट रूम टू टीच हिम ओ सुजुका के बाय द 8 year द नंबर ऑफ 4th generation decreased to 5. There were originally 74 of them, which means they exceeded 93% of the first through 3rd generation. The rate average 27. The first generation. भाई कितना लिखा हुआ भाई ये? The beta that कहाँ लिखा हुआ भाई इतना बड़ा? कैसे पढ़ूँगा भाई मैं? Okay. छोड़ो भाई छोड़ो इतना कौन पड़ेगा मास्टरपीस इन फैक्ट द लिमिट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एट लेवल ऑफ 5 or 6 कम्प्लेक्सिविटी वैल क्योता का लेवल एक्सीड्स 10 भाई ये कैसा फोटो है भाई उसके हाथ में हथकड़ी पड़ा हुआ है जीनियस ऑफ अडेप्टेबिलिटी या सबकॉर्स की अडेप्टेबिलिटी सब कुछ है भाई आउट ऑफ द 74 स्टूडेंट ऑफ द 4th generation इन हेल्थ Ayano Koji इज द ओनली वन हु मैनेज टू सर्वाइव दैट्स Ayano Koji Kiyotaka फॉर यू द परफेक्ट ह्यूमन खैर तो आई होप तुम्हें पसंद आया होगा मुझे तो ठीक ठाक लगा खैर मुझे वैसे पहले से ही पता था इसमें से बहुत कुछ क्योंकि मैंने वॉल्यूम 0 पढ़ा हुआ है तुम भी जाके वॉल्यूम 0 पढ़ ही लो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई लेकिन बहुत तेज़ी से नहीं पढ़ना पड़ा मुझे इस वीडियो में भाई इतना जल्दी जल्दी हटाया जा रहा था यार खैर जो हुआ सो हो गया चलो मिलते हैं अगली वीडियो में टाटा बाय बाय माताएं मासूम